गया तो उसके कारण हमारे कार्डिक प्रॉब्लम्स और काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होने शुरू हो जाते हैं, वेट बढ़ जाता है। और आफ्टर 30 के बाद में एक NCD करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ये अभी शुरू हो गया है, यानी 30 तो 35 वालों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसलिए आ रहा है कि अभी ये नहीं रहा है कि हमारा एज ग्रुप 50 होना चाहिए, 30 वालों को भी स्ट्रेस की वजह से BP हो रहा है। और उसके कारण अभी गवर्नमेंट ने भी एक NCD क्लिनिक शुरू कर दिया है, जहाँ पे हम 30 के बाद में हार्ट के टेस्ट, शुगर के टेस्ट, BP और हमारा पूरा प्रोफाइल हम लोग कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने अभी ये भी करा है कि एक HLL हिंद लैब के तरफ से हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका पूरा जांच फ्री किया जाता है, जिसमें हार्ट के टेस्ट, ब्लड के टेस्ट, पूरी प्रोफाइल, थायराइड से लेके सब। क्योंकि अभी लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है हमारा कि ये पूरा एडल्ट्रेशन के कारण, कि उसके कारण हम लोग पूरा थायराइड भी के भी शिकार होते जा रहे हैं। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ गवर्नमेंट में हो रहा है। और ये जूनियर चैम्बर वालों अभी जो है वर्ल्ड हेल्थ, इसके लिए स्पेशली शुगर टेस्ट का उन्होंने किट भेजा है। और हम लोग पेशेंट का, यानी जो भी नॉर्मली मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनका शुगर लेवल क्या है और उनको हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। ये कम से कम आज 20 गार्डन में होगा, क्योंकि नागपुर में कम से कम 22 ऐसे चैप्टर्स हैं, नागपुर ओरिएंट है और 20 अलग चैप्टर्स है, तो कम से कम 20 गार्डन में तो नागपुर में हो ही रहे हैं आज। और पूरे देश में कम से कम 600 लॉम करेंगे और कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग आज इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और आगे हम इस काम को और भी करते रहेंगे। ये ब्लड शुगर चेक करने का जो परीक्षण है वो कितने दिन चलने वाला ये कैंपेन? ये अभी कैंपेन 1 वीक चलेगा। आज तो मैं नहीं, पर 1 हफ्ता तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सपोज जो आज नहीं कर पाए तो कल करेंगे, तो अगला 1 वीक तक हम लोग ये कंटिन्यू फ्री में। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, सोशली हम लोग NGO को बिलोंग करते, जैसे एज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तौरात हम लोग कम्युनिटी सर्विस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग मौका देते हैं यंग जनरेशन को। और ऐसे बहुत सारे कैंप हम लोग करते ही रहते हैं हाल ही में। एक स्वस्थ व्यक्ति ने खान पान के बारे में किस तरह का परहेज को बरतना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति ने जो सवेरे मॉर्निंग में गर्म पानी पीना चाहिए एम्प्टी स्टमक, और उसके बाद में उसने वॉक करना चाहिए रोज़ डेली, 30 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए सवेरे या शाम को। और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा ऑयल जो है हर महीने में ऑयल चेंज करना चाहिए, यानी हम हार्ट के शिकार कम होंगे। और मुझे लगता है जो हमारे देश में जो पैदाइश होते हैं, उत्पन्न होती है, उन चीज़ों को ही खाना चाहिए। और जो सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स तो ज़रूर खाना चाहिए, और गर्म पानी तो मस्त है। मैं कभी भी नॉर्मल पानी नहीं पीती हूँ, पिछले 6 सालों से मैं सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ। बिलीव करिए, टच वुड, मुझे आज तक, मतलब 7 सालों से मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं जाना चाहिए मुझे। मैं एक मम्मी हूँ, मुझे 10 साल की बेटी है, एंड आई एम ए फ्रिक्वेंट ट्रैवलर। मैं शायद महीने में कम से कम 20 दिन ट्रैवल करती हूँ, सब जगह का खाना खाती हूँ। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप कैसे खाते हो, कौन से वक्त होते हो, कौन सा वक्त क्या लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं कि आपको मीठा पसंद है तो मीठा नहीं खाना, मीठा खाना है, पर खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा देखा गया कि मधुमेह को डॉक्टर लोग परामर्श देते हैं कि उन्होंने स्वीट पे कंट्रोल करना चाहिए, इवन कुछ कुछ फ्रूट्स पे भी रिस्ट्रिक्शन कर रखना चाहिए, तो आप क्या सलाह दोगे ऐसे व्यक्तियों को? फ्रूट्स पे, यानी जिस फ्रूट में ज़्यादा शुगर लेवल है वही नहीं खाना चाहिए, बाकी फ्रूट सब खा सकते हैं। एग्जांपल बता पाओगे आप? जैसे चीकू, ये नहीं खाना चाहिए, चीकू में शुगर लेवल ज़्यादा होती है। हम एप्पल खा सकते हैं, डॉक्टर्स बोल एप्पल की डॉक्टर अवे, स्पेशली एप्पल में आपको एपिटाइट अपना बढ़ जाता है, उसके कारण भूख बढ़ती है। और मोस्टली पाइनएप्पल खाना चाहिए, और कैल्शियम जिस फ्रूट्स में ज़्यादा है वो फ्रूट्स खाना चाहिए, संतरा जरूर खाना चाहिए, ऑरेंज, विटामिन सी, जिससे एक्चुअली विटामिन सी से हमारा वेट लॉस भी होता है। तो मोस्टली हम लोग ने संतरा रोज के इसमें अगर लिए तो बेटर होगा। जितना सिट्रस फूड फ्रूट है, मतलब खाने में लोग, अगर नींबू आता है तो बहुत अच्छी बात है। और हार्ट के लिए हमें अखरोट खाना चाहिए ड्राई फ्रूट्स में, मोस्टली अखरोट, ये बहुत अच्छा है, जिसमें ओमेगा 6 है, तो उससे हमारा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रहता है। कैमरामैन मुकम्मल खान के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश पांडे, थैंक यू SRTV News।